क्षार धातु तथा क्षारी मृदा धातुओं की जब तुलना की जाती है तो सबसे पहले हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानेंगे। क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, क्षारी मृदा धातुओं के लिए NS2। क्षार धातुएं, इसमें प्रायः सभी धातुएं चमकदार होती हैं, हल्की तथा मुलायम होती हैं। क्षारी मृदा धातुएं भी चमकदार होती हैं, हल्की होती हैं, किंतु इनकी जो कठोरता है वह क्षार धातुओं से अधिक होती है। क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और जल को तीव्रता से विघटित करती हैं। क्षार धातुओं की तुलना में क्षारी मृदा धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है और ये भी जल को विघटित करती हैं। क्षार धातुओं के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं, जबकि क्षारी मृदा धातुओं के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होते हैं। प्रायः सभी क्षार धातुएं ज्वाला परीक्षण देती हैं, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर सभी तत्व ज्वाला परीक्षण देते हैं। क्षार धातुओं का आयनन विभव कम होता है, जबकि क्षारी मृदा धातुओं के लिए आयनन विभव आवर्त में उपस्थित जो क्षार धातु हैं उनकी तुलना में अधिक होता है। क्षार धातुओं की संयोजकता 1 होती है और क्षारी मृदा धातुओं की संयोजकता 2 होती है। क्षार धातुएं आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्षारी मृदा धातुएं अधिकांश आयनिक यौगिक बनाते हैं और साथ ही सहसंयोजी यौगिक बनाने की भी क्षमता रखते हैं। अब हम दोनों ही परिवार के जो नाइट्रेट हैं, सल्फेट हैं, उनकी अभिक्रियाओं के बारे में भी समझेंगे कि कैसे ये विलेय होते हैं और किस तरह से ये अपघटित होते हैं। तापीय स्थायित्व के बारे में देखा गया है कि जो क्षार धातुओं के नाइट्रेट होते हैं वो जब विघटित होते हैं तो नाइट्राइट और ऑक्सीजन देते हैं। कॉमन यदि रिएक्शन लिया जाएगा तो 2MnO3 इज इक्वल टू MnO2 प्लस O2। यदि बैलेंस करेंगे तो 2MnO2 यानी मेटल का नाइट्राइट बनता है। उदाहरण यदि हम लेंगे सोडियम नाइट्रेट तो NaNO3, तो 2NaNO3 बैलेंस करने के लिए इज इक्वल टू 2NaNO2 प्लस O2। तो यहाँ पर नाइट्राइट बना और ऑक्सीजन बना। लेकिन जो लिथियम नाइट्रेट होता है, लिथियम नाइट्रेट कुछ अलग व्यवहार दर्शाएगा। तो लिथियम नाइट्रेट के विघटन से लिथियम ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। और लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध देते हैं, तो लिथियम का नाइट्रेट और मैग्नीशियम के नाइट्रेट के विघटन से समान प्रकार के उत्पाद ही प्राप्त होते हैं। तो 4Li(NO3) लिथियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 2Li2O प्लस NO2 प्लस O2। तो इस तरह से लिथियम नाइट्रेट के विघटन से लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनके नाइट्रेट्स का जब विघटन होता है तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का विघटन जैसा हमने लिथियम नाइट्रेट का देखा था, सेम वैसा ही मैग्नीशियम नाइट्रेट का होगा। तो 2MgNO3 होल ट्वाइस इज इक्वल टू 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से क्षार धातु और क्षारी मृदा धातुओं के नाइट्रेट्स का जब अपघटन होता है तो अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगला हम देखेंगे कार्बोनेट की स्थिति में। इस तरह का प्रश्न बनता है कि कैसे हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे क्षार धातु और क्षारी मृदा धातु के कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट का। दोनों को कंपेयर करने पर अलग अलग तरह से उत्पाद जो प्राप्त होते हैं उसमें अब हम देखेंगे कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में यदि हम लिथियम का व्यवहार चूँकि अपने परिवार से थोड़ा अलग है तो लिथियम कार्बोनेट को यदि हम छोड़ दें, बाकी जितने भी कार्बोनेट हैं उस पर जब ऊष्मा दी जाती है तो इन ऊष्मा का इनके कार्बोनेट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो लिथियम कार्बोनेट है वो विघटित होता है। तो लिथियम कार्बोनेट के विघटन से यहाँ बनता है Li2CO3 के विघटन से बनता है Li2O प्लस CO2। लेकिन वहीं सोडियम कार्बोनेट का जब विघटन होता है तो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है।
लेकिन जो क्षारीय मृदा धातुएं होती है उनके जो कार्बोनेट हैं वो विघटित होते हैं। तो यदि कॉमन रूप से इसके कार्बोनेट को लें तो MCO3 इज इक्वल टू बनेगा यहाँ MO मतलब मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2। यदि इसका कोई एक एलिमेंट ले लें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, विघटित होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ऐसे रिएक्शन आपने कई बार देखा है। इस प्रश्न में हम हल करके देख रहे हैं कि कैसे कार्बोनेट का विघटन होता है क्षार धातु में और क्षारीय मृदा धातुओं में। अगला हम देखेंगे सल्फेट, कि क्षार धातुओं के सल्फेट में किस तरह से रिएक्शन होता है। तो यहाँ भी वही बात है कि लिथियम का जो सल्फेट होगा उसको छोड़कर बाकी इस परिवार के जितने भी सल्फेट होंगे वो ऊष्मा के प्रति वो स्थायी होते हैं, उसमें किसी प्रकार का विघटन नहीं होता है। लेकिन लिथियम सल्फेट विघटित होता है और लिथियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। तो Li2SO4 इज इक्वल टू Li2O प्लस SO3 बनता है। लेकिन यही अगर दूसरा हम सल्फेट लें जैसे Na2SO4 लेते हैं तो ये अपघटित नहीं होता है, किसी प्रकार की क्रिया यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन क्षारीय मृदा धातु में जब सल्फेट को गर्म किया जाता है तो वो विघटित होते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं। तो यदि हम उदाहरण लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का, MgSO4 का जब विघटन होता है या उस पर जब ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो विघटित होकर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वल टू MgO प्लस SO3 बनता है। इस प्रकार क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बोनेट के बारे में हमने जाना। क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु के जो कार्बोनेट हैं, सल्फेट हैं, नाइट्रेट हैं, इनका जो आकार होगा, ये चूंकि ये जटिल आयन होते हैं SO4-2-, CO3-2-, NO3-, ये जटिल आयन होते हैं, तो ये बड़े आकार के ऋण आयन होते हैं। क्षार धातु जो है अपने आवर्त में बड़े आकार का होता है। यदि देखा जाए तो क्षार धातु पूरे आवर्त सारणी में बड़े आकार का है। तो क्षार धातु के धनायन और उसके जो नाइट्रेट हैं उनके ऋणायन यदि तुलनात्मक है, तुलनात्मक का अर्थ ये है कि लगभग ये बराबर हैं, तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे क्षार धातुओं के केस में तो विलेयता बढ़ती जाएगी, क्योंकि जालक ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे आने पर कम होता जा रहा है क्योंकि ऋणायनों और धनायनों का आकार लगभग बराबर है। वहीं क्षारीय मृदा धातु में क्या है, चूँकि क्षार धातु की तुलना में जो क्षारीय मृदा धातु है उसके आयनों का आकार कम होता है, छोटे होते हैं, तो इनके जो नाइट्रेट हैं, कार्बोनेट हैं या जो सल्फेट हैं उनके ऋणायनों का आकार बड़ा है, धनायनों का आकार छोटा है। तो जैसे जैसे समूह में नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो जालक ऊर्जा का मान है वो स्थिर है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जलयोजन ऊर्जा का मान अब घटता जाता है, तो विलेयता का मान भी कम होता जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर चूंकि धनायनों का आकार तो बढ़ रहा है लेकिन कंपैरेटिव अगर स्टडी करेंगे तो जो ऋणायन है उनके आकार में तुलनात्मक रूप से परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो जलयोजन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है लेकिन विलेयता का मान यहाँ पर घट जाता है। प्रश्न, प्रकाश वैद्युत सेल में लिथियम के स्थान पर पोटेशियम एवं सीजियम क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? लिथियम की आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। ये प्रकाश के फोटॉन लिथियम धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की स्थिति में नहीं होते हैं, अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, किंतु पोटेशियम और सीजियम दोनों में तुलनात्मक रूप से कम आयनन एंथैल्पी होती है। जब न्यूनतम आवृत्ति वाले फोटॉन सतह से टकराते हैं तो धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन काफी आसानी से निकल जाते हैं। लिथियम कार्बोनेट कम ताप पर एवं सोडियम कार्बोनेट उच्च ताप पर क्यों विघटित होता है? लिथियम कार्बोनेट विघटित होकर लिथियम ऑक्साइड Li2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लिथियम आयन Li+ बहुत छोटे आकार का होता है, तो इसका जो छोटा आकार है वो Li2O के जालक ऊर्जा को Li2CO3 के
जालक ऊर्जा से अधिक स्थायी बना देता है, परंतु जो सोडियम आयन है उसका आकार बड़ा होता है। इस कारण Na2O का जालक Na2CO3 के जालक से कम स्थायी होता है। गर्म करने पर Na2CO3 विघटित नहीं होता है, जबकि Li2CO3 विघटित होता है, और Li2CO3 के विघटन से Li2O प्लस CO2 बनता है। सोडियम कार्बोनेट पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न, पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्वे विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ऐसा क्यों? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए सॉल्वे अमोनिया प्रक्रम में निर्मित सोडियम बाइकार्बोनेट अवक्षेपित हो जाता है और गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट देता है। यदि इसी प्रक्रम को पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3 के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है तो KHCO3 बन जाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट जल में अत्यधिक घुलनशील है, अतः इसे अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न, LiF लिथियम फ्लोराइड जल में लगभग अविलेय होता है, जबकि LiCl लिथियम क्लोराइड न सिर्फ जल में बल्कि एसीटोन में भी विलेय होता है। लिथियम फ्लोराइड एक आयनिक यौगिक होता है, लेकिन लिथियम प्लस एवं फ्लोराइड माइनस F माइनस दोनों आयनों का आकार छोटा होता है, जिससे जालक एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है। LiF की जलयोजन एंथैल्पी भी अधिक होगी, परंतु जालक एंथैल्पी से कम होती है। LiF की जालक एंथैल्पी -1045 किलो जूल पर मोल, जबकि जलयोजन एंथैल्पी -1034 किलो जूल पर मोल होती है। अतः लिथियम फ्लोराइड जल में अविलेय होता है, जबकि लिथियम क्लोराइड में जालक एंथैल्पी Cl- के अपेक्षा बड़े आकार के कारण जलयोजन एंथैल्पी से बहुत कम होती है। लिथियम क्लोराइड में जो Cl- है उसका आकार बड़ा है लिथियम की तुलना में, तो यहाँ पर जलयोजन एंथैल्पी से तुलनात्मक रूप से जालक एंथैल्पी का मान अधिक होता है। LiCl में Cl- के बड़े आकार के कारण Li+ के द्वारा ध्रुवण हो जाता है, क्योंकि Li+ का आकार छोटा है। तो LiCl में आंशिक आयनिक लक्षण तथा आंशिक सहसंयोजी गुण भी हो जाता है, अतः यह जल में और कम ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल सकते हैं। प्रश्न, सोडियम एवं पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट जल में विलेय हैं, जबकि मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के जो संगत लवण हैं, वे जल में अल्प विलेय होते हैं। मैग्नीशियम एवं कैल्शियम की तुलना में सोडियम एवं पोटेशियम के बड़े आकार होने के कारण सोडियम एवं पोटेशियम के हाइड्रोक्साइडों एवं कार्बोनेटों की जालक ऊर्जा मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के हाइड्रोक्साइडों एवं कार्बोनेटों की तुलना में बहुत कम होती है। सोडियम एवं पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट जल में आसानी से विलेय होते हैं, जबकि मैग्नीशियम के संगत जो लवण हैं, वे जल में अल्प विलेय होते हैं। प्रश्न, जलीय विलयनों में क्षार धातुओं की गतिशीलता Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+ के बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया है, तो इसे समझाइए। यहाँ पर धनायन छोटे आकार का होता है, तो धनायन के छोटे आकार होने के कारण जलयोजन अधिक होता है एवं हाइड्रेट आयनों का द्रव्यमान अधिक हो जाता है। आयनों की गतिशीलता जलयोजन एंथैल्पी में वृद्धि से घटती है, क्योंकि जब जल के अणु जुड़ने लग जाएंगे तो अब यह जो अणु है वो उसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, तो उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी। Li+ अत्यधिक जलयोजित
एवं सबसे कम गतिशील होगा, क्योंकि Li+ का आकार सबसे छोटा है और उसमें जलयोजन एंथैल्पी का मान भी अधिक है। तो जलयोजन एंथैल्पी का क्रम है Li+, Na+, K+, Rb+ और CS+। तो CS+ के लिए जलयोजन एंथैल्पी सबसे कम है और Li+ के लिए जलयोजन एंथैल्पी सबसे अधिक है। इसके विपरीत होगा गतिशीलता का क्रम, जलयोजित धनायनों की गतिशीलता का क्रम। लिथियम प्लस, चूंकि यहाँ पर जलयोजित धनायन की बात हो रही है इसलिए हम Li+ के नीचे Aq लिखेंगे, क्योंकि हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। Li+ Aq, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, तो सभी का जली विलयन लिया जा रहा है और आयनों की गतिशीलता का क्रम बढ़ते हुए क्रम के आधार पर रखा गया है। सबसे कम गतिशील है लिथियम प्लस और सबसे अधिक गतिशील आयन है सीजियम प्लस। प्रश्न, क्षार धातुएं उनके संगलित क्लोराइडों के वैद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती हैं, क्यों? क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं। ऐसा कोई भी अपचायक उपलब्ध नहीं है जो सोडियम लवणों को अपचयित कर सके। जलीय लवण विलयन के वैद्युत अपघटन से क्षार धातु को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जलीय लवण विलयन के जल अपघटन से क्षार धातु धनायन जैसे लिथियम प्लस, Na+, इनके निम्न अपचयन विभव के कारण कैथोड पर ये अपचयित नहीं होते हैं। हाइड्रोजन आयन उच्च अपचयन विभव के कारण अपचयित होते हैं और इसी वजह से क्षार धातुओं को उनके गलित लवणों के वैद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। प्रश्न, Na2O2 में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। H2O2 के समान Na2O2 में भी परऑक्साइड बंध होता है, अर्थात OO के मध्य यहाँ पर बंध दिखाई दे रहा है जिसमें O O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अतः सोडियम परऑक्साइड में ऑक्सीकरण अवस्था सोडियम की होगी प्लस वन। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2x प्लस माइनस वन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके लिए माइनस वन लिया जा रहा है, क्योंकि परऑक्साइड में जब ऑक्सीजन जुड़ा है वो सिंगल बॉन्डेड होता है, तो माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू जीरो। तो 2x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से x कैलकुलेट करेंगे तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट Na2O2 में सोडियम की प्राप्त होती है। प्रश्न, BeO जल में अविलेय है जबकि BeSO4 जल में विलेय होता है। बेरिलियम का छोटा आकार, इसकी उच्च आयनन एंथैल्पी एवं उच्च ऋण विद्युता, इसके कारण बेरिलियम ऑक्साइड सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं और ये जल में अविलेय होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड की जालक ऊर्जा भी उच्च होती है, जबकि बेरिलियम सल्फेट में बेरिलियम 2+ प्लस आयन के छोटे आकार के कारण बेरिलियम सल्फेट की जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक होती है। अतः BeSO4 जल में बहुत अधिक विलेय होते हैं। प्रश्न, बेरियम ऑक्साइड जल में विलेय है जबकि बेरियम सल्फेट अविलेय होता है। बेरियम ऑक्साइड एवं बेरियम सल्फेट दोनों की प्रकृति आयनिक होती है। O2- आयन का आकार सल्फेट आयन से बहुत छोटा होता है, अतः बड़ा ऋणायन बड़े धनायन को छोटा ऋणायन बड़े धनायन से अधिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। तो BeO की जालक ऊर्जा BeSO4 से कम होती है, अतः बेरियम ऑक्साइड जल में विलेय है जबकि बेरियम सल्फेट जल में अविलेय होते हैं। एथेनॉल में लिथियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड की तुलना में अधिक घुलनशील होते हैं, क्यों? लिथियम प्लस पोटेशियम आयन से बहुत अधिक छोटा है, तो फजांस के नियम के अनुसार लिथियम प्लस आयन बड़े आयोडाइड आयन का K+ आयन से
अधिक ध्रुवण करने की क्षमता रखता है। इसके कारण LiI यानी लिथियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड से अधिक सहसंयोजी गुण रखते हैं। यह कार्बनिक विलायक एवं एथेनॉल में इसी वजह से विलय होते हैं। क्षार धातुएं एवं क्षारी मृदा धातुएं रासायनिक अपचयन विधि से क्यों नहीं प्राप्त किए जा सकते, इसे समझाइए। क्षार धातु एवं क्षारी मृदा धातुएं एक बहुत प्रबल अपचायक होती हैं। इनके ऑक्साइडों को सामान्य अपचायक जैसे कार्बन जिंक इनके साथ अभिक्रिया द्वारा अपचयित करना संभव नहीं हो पाता है। तो एस ब्लॉक तत्वों के क्लोराइडों ऑक्साइडों के अपचयन से धातु प्राप्त नहीं की जा सकती है। एक प्रश्न बनता है कि सोडियम क्लोराइड से आप सोडियम धातु कैसे प्राप्त करेंगे। सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु प्राप्त करते समय डाउन्स सेल का उपयोग किया जाता है। डाउन सेल में सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराकर सोडियम धातु को कैथोड पर प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले हम डाउन्स प्रोसेस में जो एनोड है वह किसका बना है जानेंगे। एनोड केंद्र में ग्रेफाइट का बना होता है और बड़ा एनोड होता है, सिलिंड्रिकल आयरन का होता है। ये जो कैथोड है ये सर्कुलर बार के रूप में होता है और कॉपर या आयरन का होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग करने के लिए आयरन की एक स्क्रीन होती है। इस सेल में जो सोडियम क्लोराइड है उसका 40% और कैल्शियम क्लोराइड भी उसमें मिक्स किया जाता है 60% और 873 केल्विन टेम्परेचर पर विद्युत अपघटन कराया जाता है। जो कैल्शियम क्लोराइड लिया जाता है यहाँ पर, चूंकि कैल्शियम क्लोराइड इस पूरे प्रक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, केवल तापमान को नियंत्रित रखने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। डाउन्स प्रोसेस में जो केंद्र में लगा हुआ कार्बन का एक एनोड है जो ग्रेफाइट का एनोड है और कैथोड जो कि सर्कुलर बार के रूप में कॉपर या आयरन का होता है, तो जब आयनन की प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटन होता है NaCl का, तो NaCl विघटित होता है Na+ एवं Cl- में। कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सोडियम धातु में परिवर्तित होता है, जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो क्लोराइड माइनस 2Cl- इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। दोनों अभिक्रियाओं को या संपूर्ण अभिक्रियाओं को एक साथ लिखा जाएगा 2Na+ + 2Cl- = 2Na + Cl2 होता है। डाउन्स प्रोसेस को बहुत अच्छा माना जाता है। इसका कारण यही है कि 99.9% शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का मेटैलिक फॉग नहीं बनता है और यहाँ कैल्शियम क्लोराइड के मिश्रित करने के कारण सोडियम क्लोराइड के साथ यह प्रक्रिया 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होने लग जाती है। यहाँ पर किसी भी ऐसे अम्लीय उत्पाद का निर्माण नहीं होता है जो कि सेल के पदार्थ के साथ क्रिया करे। तो अतः यह एक बहुत अच्छा मेथड होता है सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए। एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने देखा क्षार धातु एवं क्षारी मृदा धातुओं के बारे में। क्षार धातु और क्षारी मृदा धातुओं का दैनिक जीवन में तो उपयोग है ही, साथ ही साथ जैविक तंत्रों में भी इसका कितना इम्पोर्टेंस है इसे हमने जाना। इस पाठ में कई सारे प्रश्न हैं बनते हैं, जो कारण बताओ वाले भी प्रश्न होते हैं और कुछ बनाने की विधियां जिसे हमने देखा, जैसे कास्टनर केल्नर सेल है या डाउन्स प्रोसेस है या सॉल्वे मेथड है, इसको भी समीकरण सहित विस्तार से जानने की आवश्यकता है। और इस पाठ में संबंधित जो प्रश्न है कंपैरेटिव स्टडी करके यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर क्षार धातु और क्षारी मृदा धातुओं का
कंपेयर करके पढ़ेंगे, इनके गुणों की तुलना करके पढ़ेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इस परिवार से संबंधित जो अलग अलग मुख्य मुख्य यौगिकों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे सोडियम के कुछ यौगिकों के बारे में जाना, कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में जाना, तो इन सभी यौगिकों के बनाने की विधि, उनके गुण एवं उनके उपयोग, इससे संबंधित प्रश्न टिप्पणी के रूप में भी पूछे जाते हैं। और ये जानना भी आवश्यक है कि इन सभी का हमारे जीवन में कितना महत्व है।